शिवपुरी जनपद के केराना थाना क्षेत्र के बुच्चाखेड़ी गांव में बीती मध्यरात्रि अज्ञात चोरों ने फौजियों के घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना के समय आसपास के मकान के भी कुंडे बंद कर दिए गए। इसके अलावा गांव में एक होमगार्ड के मकान का भी ताला तोड़कर उसमें रखा बैटरी चोरी कर लिया गया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस व उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। तीतरवाड़ा मार्ग पर स्थित गांव बुच्चाखेड़ी गांव में बीती करीब मध्यरात्रि में कुछ अज्ञात चोर छत के रास्ते मोहकम सिंह के घर में घुस गए और अलग अलग कमरों में रखी हुई दो सेफ को तोड़कर उसमें रखी सोने और चांदी की ज्वेलरी चुरा ली और लोहे के एक बक्से से भी करीब 50,000 की नकदी उड़ा दी। मोहकम सिंह के दो बेटों में संदीप एसएसबी में शिमला में तैनात है और दूसरा बेटा सेठपाल सीआईएसएफ कोटा में तैनात है और चोरी हो गई ज्वेलरी उन्हीं दोनों बहुओं की बताई गई है। मोहकम के तीसरे बेटे मनीष ने बताया कि घर में माता पिता के अलावा मैं, मनीष और एक बहन सब अलग अलग स्थान पर सोए हुए थे। सुबह होने पर सभी को घटना का पता चला। पुलिस को सूचना दी गई। इसी गांव में स्वर की होमगार्ड के बंद मकान का ताला तोड़कर उसमें से बैटरा चोरी कर लिया गया। अच्छा इसमें भी आ गया। इसमें भी आ गया। क्या नाम था इनके? समान था प्रीति का था। उसके घरवाले का नाम है सेठपाल। जो दो बहुओं का था, बारह। और इसमें जो लड़का था वो है एसएसबी में। संदीप और ये एसएसबी में है लड़का। ये बाहर रहते हैं। सर रात के समय गांव बुच्चाखेड़ी में दो घरों में चोरी की घटना हुई है, क्या पूरा पता करना है? बुच्चाखेड़ी से आज सुबह ही जो है एक फोन आया और सूचना दी गई जो है मनीष के द्वारा, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर में जो है चोरी हो गई है। इस सूचना पर थाना कैराना की पुलिस के द्वारा और उच्च अधिकारी को द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से कुछ सोने चांदी के जो है जेवर और 50,000 रुपए के लगभग नगद चोरी किए गए हैं। पास में ही एक मोहकम सिंह का घर है और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से एक मोबाइल गई है। इसके अलावा गाँव में पूछताछ की गई तो गाँव के बाहर एक होमगार्ड है और उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो जो है आते जाते दो तीन आदमियों के देखे हैं और इस घटना में अन्य किसी के यहाँ कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया है, केवल दो ही घरों में ये चोरी हुई है। क्या कितनी कीमत हुई? उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने उसकी कोई जाहिरा कीमत नहीं बताई, लेकिन ये बताया कि कुछ जो है सोने चांदी के जेवर गए हैं। जिन घरों में चोरी हुई बताया गया, एक सीआईएसएफ में और एक बीएसएसएफ में। हाँ, उनके द्वारा जो बताया गया उसमें बताया गया कि उनके दो भाई हैं संदीप और सेठपाल, जो फौज में नौकरी करते हैं, यहाँ रहते नहीं है, वो कोटा और शिमला में रहते हैं। तहरीर दी गई है? हाँ, उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उसमें संबंधित धाराओं में अभियुक्त का पंजीकरण करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।